हे सो व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 8 vs 8 मींस रियलमी 8i वर्सेस आईफोन 8। एक तरीके से ये बराबर का मुकाबला है। कैसे है वीडियो लास्ट तक देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि आईफोन 8 2017 में लॉन्च हुआ था और ये रियलमी 8i 2021 का स्मार्टफोन एकदम लास्ट में, तो मान सकते हो 2022 का। एंड अभी भी लोग इसको 20,000 तक खरीदते हैं, बट ये वाला 17,000 का है। एंड रियलमी 8i जो मैं यूज कर रहा हूँ ये 14,464 एंड 264 वेरियंट आईफोन 8 है। तो देखते हैं क्या एप्पल का A11 बायोनिक मीडियाटेक केलियो G96 2022 के प्रोसेसर को कितना टक्कर देता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अभी आईफोन 8 बाय करो भाई, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, किसी लायक नहीं है। ये केवल आप छपरी गिरी और चमकाने के लिए जरूर ले सकते हो, मजाक कर रहा हूँ भाई, ले सकते हो, लेकिन तभी अगर आपको ये फ़ोन सेकेंडरी यूजर्स में लेना है, प्राइमरी यूजर्स के लिए बिल्कुल भी अभी ये वर्थ नहीं है। एंड रियलमी 8i का क्या सीन है, मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू बना रखा है, मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। तो सीधा करते हैं स्पीड टेस्ट स्टार्ट। सो बैकग्राउंड को सारे ऐप्स को क्लियर कर दिया है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं फ़ोन से फर्स्ट। एंड ये नॉर्मल ही स्पीड टेस्ट होगा, क्योंकि पबजी मैंने इसमें डाल के देखा भाई, आग लग जाती है। आईफोन ने बाजी मार दी, पहले ओपन कर दिया है, नंबर्स हाइड कर दिए हो भाई, नहीं तो आईफोन लवर्स गाली वाली दे दें। सो नेक्स्ट ओपन करते हैं मैसेज। एंड इसमें रियलमी आगे निकल गया है, बराबर ही था लेकिन जल्दी थोड़ा रियलमी ने किया। मैं ओनली डेली यूजेस वाले ऐप्स को ही ओपन करूंगा। सो नेक्स्ट ओपन करते हैं यूट्यूब को। नहीं, रुको, डेटा ऑफ कर लेता हूँ आईफोन का, क्योंकि मेरे पास इतना बेटर इंटरनेट नहीं है कि इंटरनेट के साथ मैं टेस्टिंग कर पाऊँ। सो कर सकता हूँ, लेकिन ब्राउजिंग में आईफोन आगे निकल जाएगा। यूट्यूब में भी रियलमी आगे निकल गया है। देखिए, मैंने इसका डेटा ऑफ कर दिया था आईफोन का, लेकिन फिर भी ये ऐसे मतलब दिखाया, डाउनलोड स्क्रीन पर नहीं गया। iOS का सब शायद अलग से सिस्टम है। एंड कैमरा में लिटरली दोनों एकदम सेम स्पीड में ओपन हुए, बट फोकस रियलमी 8i ने जल्दी करा। सो ये पार्ट तो बराबरी का रहा, KO। सो नेक्स्ट ओपन करते हैं सेटिंग को। इसमें भी रियलमी इज क्लियरली विनर। मैं स्कोर कार्ड अभी यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं लास्ट में आपको स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा। एंड भाई, मैं गलती कर दिया, आइकन्स में साला रीअरेंज कर लेता तो बड़े अच्छे से हो जाता। फाइल मैनेजर ओपन करते हैं। अबे भाई, 8i तो आग लगा रहा है, इसमें भी आगे निकल गया आईफोन से। आईफोन फाइल मैनेजर में कुछ नहीं दिखाता। एंड मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, आईफोन का 1 है और एंड्रॉयड मतलब रियलमी का 4 स्कोर है। तो भाई, इतना खुशी भी मत हो कि एंड्रॉयड इतना ज़्यादा आगे जा रहा है। एंड्रॉयड हकता है बैकग्राउंड प्रोसेस में, अभी एक भी ऐप शायद रहें कि ना रहें, वीडियो लास्ट तक देखो। देखा, iOS ने कॉन्टैक्ट्स में बाजी मार दी, सबसे पहले ओपन कर दिया है। तो जैसे जैसे ऐप्स बढ़ेंगे iOS अपनी औकात दिखाएगा और एंड्रॉयड भी। सो अब चेक करते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस, क्योंकि मैंने इसमें डेली यूजेस वाले ऐप्स भी iOS में हैं, क्योंकि भाई इसकी बैटरी बहुत कम चलती है और हीट बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए पबजी मैंने नहीं डाला और डेटा की वजह से भी नहीं डाला है। सो बैकग्राउंड प्रोसेस चेक करते हैं। एंड ये कट जो था सिंपल कट था, क्योंकि मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी, तो ऐसा मत समझना बहुत देर बाद, टाइम ऊपर देख सकते हो। एंड देखा, मैसेजिंग ऐप iOS में एकदम लोडेड है, आईफोन में फिर से रिलोड हुआ मतलब रिफ्रेश हुआ, सॉरी एंड्रॉयड मतलब रियलमी 8i में। सो और भी ऐप्स चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या भाई 2017 के फ़ोन में अभी भी इतना दम है कि एंड्रॉयड को बीट कर सकता है। सो फाइल्स करते हैं। एंड भाई, इसमें एंड्रॉयड और दोनों ने मतलब बराबर ही रहा। एंड नेक्स्ट करते हैं सेटिंग को। एंड इसमें भी एंड्रॉयड पीछे रह गया, iOS में सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रहेंगे, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट करते हैं कॉन्टैक्ट्स करें, कैमरा भाई आई थिंक दोनों भी रिफोकस करा है और थे बैकग्राउंड में दोनों ही। नेक्स्ट करते हैं भाई, ज़्यादा ऐप्स तो हुए नहीं थे, शायद 7-8 ऐप्स ही हैं। यूट्यूब को, यूट्यूब भी एंड्रॉयड में रिफ्रेश हुआ, iOS में अभी भी बैकग्राउंड में है। भाई बैकग्राउंड प्रोसेस रैम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है iOS का। एंड 2 GB रैम है उसमें और इसमें 4 GB एंड्रॉयड। फाइल मैनेजर एज सच दोनों में है। नेक्स्ट, एक दो ऐप्स और बचे हैं शायद से, फ़ोन बचे हैं, मैसेजेस भी दोनों में रहे, सिस्टम है शायद एंड्रॉयड में भी हैं, क्योंकि अभी 8i ये मेरा नया भी है। कॉन्टैक्ट रिफ्रेश हुआ एंड्रॉयड में, एप्पल आईफोन 8 में दो सभी है भाई। बैकग्राउंड में टोटली विन कर गया है एंड रियल मी लूज कर गया है। एंड मैं स्कोर कार्ड भी लगा देता हूँ, आप टोटल स्कोर देख सकते हैं। और आपको कैसे लगी ये वीडियो जरूर से बताएं, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक तो भाई बेकार भी लगी फिर भी करके जाओ, क्योंकि भाई यार भाड़े का आईफोन है, मेरा नहीं है ये। सो इसलिए भी लाइक कर देना।
एंड स्कोर कार्ड देख ही रहे हो। एंड मैंने हैवी एप्स को ओपन नहीं करा क्योंकि भाई ये मेरा फ़ोन है नहीं, जिनका है भाई पता लगा मेरा मतलब दोस्ती है, लेकिन भाई पता लगा इसका बच गया क्योंकि भी जिमाई भाई हीट कर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था ये, सो बनेगा भी नहीं। और जैसे कि इसको मैंने बताया था कि 17,000 का बाय किया है, इंस्टाग्राम के थ्रू बाय किया था उसने, सो कंडीशन तो इसकी सुपर है, चल भी सही रहा है, लेकिन वही है भाई मेरा सजेशन इस पर यही रहेगा कि भाई आईफोन आप ले सकते हो अगर iOS एक्सपीरियंस करना चाहते हो, लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाएगी तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 14-15 हज़ार के एंड्रॉयड इसको एकदम टोटली बीट कर देंगे। कैमरा टेस्ट भी इसका आ रहा है उसमें भी देख लेना, बीट कर देंगे, लेकिन आईफोन मतलब काफ़ी चीज़ों में अभी भी ये 2017 का फ़ोन 2022 के फ़ोनों को काफ़ी चीज़ों में बीट कर देगा, जैसे कि इसका कॉम्पैक्ट साइज। अगर आपको छोटे फ़ोन पसंद है तो भाई बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन वही बैटरी वाली दिक्कत है, दो तीन घंटे ज़्यादा बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। एंड इसका कैमरा भाई अच्छा है, लेकिन आपको उसके लिए एडिटिंग आनी चाहिए क्योंकि जो आउटपुट देगा वो तगड़ी होगी, लेकिन उसको एडिट करना पड़ेगा आपको। जस्ट लाइक एज ये 4K में वीडियो 60fps तक रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ये Realme 8i केवल 1080p ही रिकॉर्ड कर सकता है। सो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं फुल टेस्ट में लाने वाला हूँ। ये देख छोटकू सा स्मार्टफोन काफ़ी पावरफुल है, लेकिन यही भाई इसमें शायद 1750mAh की बैटरी है, सो बैटरी वाली दिक्कत इसमें मेजर प्रॉब्लम है। एंड हीटिंग बिकॉज भाई इसमें मेरे ख्याल से बॉडी चेंज हुई है, इसकी पुराना फ़ोन है चेंज हुई इसी वजह से इसमें हीटिंग इश्यूज़ हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आईफोन 7 है भाई वो बिल्कुल नहीं हीट करता, वो BGMI खेलता है। एंड BGMI में ये 60fps को सपोर्ट करता है विदाउट लैग, लैग तो नहीं होता लेकिन हीट होता है, हीट होएगा तब भाई लैग तो होगा ही होगा क्योंकि भाई बायोनिक है, चूतिया तो है नहीं, लैग बढ़ाएगा थ्रॉटल होता है। सो आप वेट कर सकते हैं फुल रिव्यू के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।